यहाँ पे दीदी होने जा रही है रेडी अपने कपड़े निकालते हुए। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं सारे, और नैन्सी भी रेडी हो चुकी है। नैन्सी ने ग्लोव्स लगाई है। सब बैठ रहे हैं कार में और देखते हैं कैसे बैठेंगे। आज गाइस हम पहुंच चुके हैं और लोग, मैं क्या ही बताऊं, इतने सारे लोग हैं। पे दीदी होने जा रही है रेडी, पूरे 1 घंटे में होएगी तैयार, मुझे पता है। तो कितनी देर में? आधा घंटा। तो हमने सबने खाना वाना खा लिया है और तैयार हो जाओ फटाफट से। आ रही है सांस? सांस थोड़ी दब गई है। दाल चावल खा के और अपने कपड़े निकालते हुए, समझ नहीं आ रहा इसको। और गाइस मैं भी जा रही हूँ रेडी होने के लिए, रेडी होने मैं भी जा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ना पेट में गैस हो रही है यार, इनो भी पी ली पर फिर भी पेट में ही दर्द हो रहा है। तो मैंने तो दाल चावल अभी नहीं खाए हैं और बाकी मम्मी और ने सबने खा लिया है। आउटफिट देख ही सकते हो कैसा है, बता देना कमेंट में। और नीचे सलवार है, अफगानी सलवार। तो चलो तैयार होके फिर मिलते हैं। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं सारे, और रेडी भी बहुत देर के हो चुके हैं, पर बस हम भैया का वेट कर रहे हैं क्योंकि भैया कार चला के लेके जाएंगे सबको, हम उसी में जा रहे हैं। और 12:10 हो रहे हैं, तो हम कब से वेट कर रहे हैं, भैया कब आएंगे और जाएंगे सब। और सब ही रेडी हैं, कोई आज ऐसा नहीं है कि बिना रेडी के बैठो, सब रेडी हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ कॉमेंट में बताना। ज़्यादा मेकअप नहीं किया है क्योंकि अब रात हो रही है और जाएंगे बस। फिर बस आईलाइनर लगाया ब्लू कलर का और ब्लशर और लिपस्टिक लगाई है, बिल्कुल मैच हो रही है ना, है ना, है ना, मस्टर्ड कलर सा कुछ, क्या कहते हैं इसको, रेस्ट कलर कहते हैं इसको। तो मैं सबको दिखाती हूँ, सब रेडी हो चुके हैं। और फ़ोन में कुछ और लग रहा है मेरा फेस, और शीशे में कुछ और लग रहा है कुछ अलग ही लग रहा है। तो दिखाती हूँ सबको क्या कर रहे हैं सर। यार शीशे में तो मैं अच्छी लग रही हूँ काफी। नैन्सी भी रेडी हो चुकी है। नैन्सी ने ग्लोव्स लगाई है, काजल लगाया है, और नैन्सी को हमने कंजक में जो पर्स दिए थे सबको, ये क्यूट सा पर्स भी है। कैसे तूने तोड़ भी दिया? खुद ही टूट गया। अरे ये रहा ना, ये टूट गया, ये रहा, ये तो जुड़ जाएगा कहाँ से? एलपी से। तो चलो सब दिखाते हैं सब क्या कर रहे हैं। भाभी को देख लो, भाभी बोल रही है देख ले मेरे पहले ब्लॉग में खराब बाल वाल तो नहीं हो रहे हैं। लेवेंडर लेवेंडर बन के बैठी हुई है इतनी देर से। और भाभी रेड, भाभी ये मेरे को कब से बोल रही है मेरा पर्स टूट गया चिपका दो। बनाएगी बता, बनाएगी नाना किसी को, किसको? दादा को। मम्मी ओ बेटे, ओ आई, क्या बात बोली इसने, पापा की फोटो देख के बोल रही है इसको बनाऊंगी नाना। एलपी मंगा पिज्जा नाना के फोन पर, नाना तो खाई ही तो बाउड़ी। भाभी लाल बन के बैठी हुई है, और ये वाली भाभी है, हाँ तीनों नायरा कट। अभी दिखाएंगे उनका स्पेशल लुक होता है, हटियो उनको उनको उसको अभी बुलाते हैं अंदर। शानू की टप्पी बजा रहे हो गाइस, इसको देखना। ठीक है तो हम सारे के सारे तैयार है, बस इंतजार हो रहा है भाई का कि भाई कब आ जाएगा।
और हन्नी हमारा बेचारा सो गया, सोच रहा था कब जाएंगे कब जाएंगे। आप उसको तो बुलाओ, उनके अभी बुलाते हैं। दीदी अंदर आना जरा जल्दी। तो गाइस ये दीदी की लुक क्या है, कहाँ पे थप्पी में जा रही हूँ दीदी, तुम झुमका ले व्हाट झुमका। दीदी और मेरा सेम लुक है, सेम पहने हुए हैं। मम्मी कितने सालों बाद जा रहे हो? मैं तो कम से कम 20 साल के बाद जा रही हूँ। 20 साल बाद? 20 साल तो यानी मैं जब हुई थी जब ही, और मैं भी नहीं गई ऐसे तो कभी भी, शायद तो हुई। मैं भी नहीं गई, सही में नहीं गई, मैं नहीं गई। और मैं अब बहुत टाइम बाद देखूंगी कि मंदिर कैसा बन गया है, मुझे तो याद भी नहीं है जब लास्ट टाइम कब गई थी मैं। हैं देखने नहीं देते हाँ। और वैसे ही आज तो अष्टमी है और आज तो और भीड़ वो मंदिर एनी टाइम खुला रहता मंदिर। अच्छा हमारी दिल्ली में एक से एक मंदिर है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक से एक मंदिर देखे और विष्णु भगवान के तो बस पूछो ही मत, एक से एक मंदिर। हम लोग नहीं घूमते बाहर की दुनिया आके घूमते दिल्ली, और हम दिल्ली वाले बाहर जाते हैं। पूरी दिल्ली नहीं देखी, हाँ हमने देखी नहीं है दिल्ली कैसी है आज तक, थोड़ी बहुत ही घूम रखी है मेन मेन जगह हो गई जैसे, है ना मम्मी। तो गाइस भैया आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं, और फाइनल लुक दिस इज, इस शीशे में पूरी फाइनल लुक देख सकते हो, है ना, दिखती है इसमें पूरी, कुछ भी पहनो दिख जाता है अच्छे से। तो बस निकल रहे हैं, भाभी के बच्चे रो रहे हैं, मम्मी मम्मी कर रहे हैं, और निकल रहे बस, तो सीधा वहीं मिलते हैं। सब बैठ रहे हैं कार में और देखते हैं कैसे बैठेंगे, आज तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, कौन कैसे बैठेगा, डिग्गी में, डिग्गी में कौन बैठेगा, नैना और तू, फिर कौन बैठेगा, चलो बैठो फटाफट। नहीं मिलती आगे बैठने की, फैमिली इतनी बड़ी है भाई क्या कर सकते हैं, है ना, छोटे बच्चे पीछे ही बैठते हैं। हम ऑटो में बैठ के आते थे ना, हैं दीदी, हम पहले ऑटो में नहीं बैठ के जाते थे पीछे, कावे और नैना पीछे डिग्गी में। चलो बेस्ट ऑफ लक, कावे सही लग रहा है। जब से पाया है तुझको जब से इश्क तेरा। लोग कितने सारे हैं, झंडे वाले जा रहे हैं यहाँ पे, ट्रक और टेम्पू भर के भी। गाइस हम पहुंच चुके हैं और लोग मैं क्या ही बताऊं, कितने सारे लोग हैं कि ट्रक भर के टेम्पो भर के और बाइक स्कूटी एवरीथिंग, गिनती नहीं है बाइकों की, तो गिनती नहीं है वाकई में। मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये लड़के जितने भी बाइक पे आ रहे हैं ये घर पे हाथ जोड़ते हैं मंदिर में अपने घर पे, बाइक वालों की गिनती नहीं है, मतलब पेट वालों की, उसका तो पता नहीं भाई। बहुत ही ज्यादा लोग आ रहे हैं, लड़के ज्यादातर, है ना भाभी, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ट्रैफिक भी था और पुलिस भी बहुत है यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल वैसे वाला माहौल लग रहा है जो कांवर वाले दिन होते हैं, बिल्कुल वैसे लग रहा है, बिल्कुल ऐसी रौनक हो रही है यहाँ पे, जाते हैं ना जैसे वो कांवड़िए टेम्पो में वो डीजे वीजे चला के जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे वाला माहौल है यहाँ पे। देखना कितनी बाइकें जा रही है, बहुत ज्यादा बाइक जा रही है, और मुझे तो लग रहा है अंदर ना, और मुझे लग रहा है कि ना मंदिर में भीड़ पूरी मिलने वाली है, पूरी भीड़। और हमने चप्पल अप्पल भी सारी कार में ही उतार दी क्योंकि कोई चोरी वोरी हो जाए, जगह ना हो क्या पता। और पार्किंग भी फुल है यहाँ पे, भाई अलग से कहीं और चेक करने गए हैं कार खड़ी करने के लिए। मैं तो मुझे ये ही नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब आई थी, मैंने तो यही समझ लो मैं आज तक आई नहीं, मुझे क्या पता, पैदल नहीं आए थे तुम, मैं नहीं आई थी, मेरा पैर जल गया था। मैं आज से 13-14 साल पहले आई, 13-14 साल पहले कितने बजे भाभी तो अभी आई,
पिछली साल आए थे ये तो, ये भी आई थी। मैं नहीं आई थी, मेरा पैर जल गया था पिछली साल। संजना और सपना ये पैदल पैदल आए थे। तो चलो भाई अंदर देखते हैं कितनी भीड़ है। तो पैदल ही आते मजे लेते बहुत बहुत मजा आते ना, लेकिन जल्दी आना था। मम्मी बोल रही है अच्छा अच्छा तुम पैदल ही आते, और मुझे नहीं पता था कि इतनी पास भी है करोल बाग के, पास में ही है करोल बाग से थोड़ी आगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अंदर चलते हैं। भाई का वैसे वेट कर रहे हैं, कहाँ है भाई, आए नहीं है। अरे कहाँ है, फोन वोन पकड़ ले भाभी, फोन सेवा पकड़ ले। पहली बार आया तू भी, पूछो कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। मम्मी पता क्या कह रही है, हमें पैदल आना था, पैदल आना था। गाइस देखो बहुत भीड़ है यार, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। गाइस मैं पहली बार आई हूँ, मेरे साथ भी क्या हुआ, लाइन हो चुकी है चालू। मैं और भाभी सबसे पीछे हैं और बाकी सारे आगे चले गए। बोल साचे दरबार की जय। थक तो गए हैं, दर्शन कर लिए और जो अब यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है उनके दर्शन कर रहे हैं। खेतरी देखो, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, शेराली माता, है ना मम्मी। सुंदर, कितनी सुंदर सफाई, कितनी है, कितनी सुंदर आने के बावजूद भी, हाँ पब्लिक आने के बावजूद भी सफाई है, देखो बहुत ही ज्यादा सुंदर है सच में, है ना, जैसे बोल जाएंगे। दर्शन हो चुके हैं, तो
समय मंदिर में एक बच्ची मिली है और ये हम वीडियो बना रहे थे तो इसने हमारा फोन जबरदस्ती ले लिया और बोल रहे कि मेरी वीडियो बनाओ और फोन ले लिया दीदी का, यूट्यूब पे सर्च कर रही है गाना तो बोल रही है मेरी वीडियो बनाओ। सपना चौधरी कौन सा गाना है? सपना चौधरी का। ओ अच्छा ये यार फोन है, मेरा फोन लेके बैठ गई। गाइस ये फोन ही नहीं दे रही लड़की, चल चल मैं भी नाचूं। फोन ही नहीं दे रही यार ये तो, ये क्या है, ये तो फोन ले। हन्नी हन्नी इधर ही दे दो चार। बाबू फोन तो मेरा है। ए नैंसी नैंसी ऐसे कैसे, मेरा फोन है इनका ले लो। ये क्या था भाई, मम्मी कसम होगी ये क्या था, मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा बच्चा। गाइस ये लड़की बोल रही थी मेरी वीडियो बनाओ पर हमने ओ गुस्सा हो गई है। गंदा नाम है, कह रही मेरा नाम प्रियंका है, इसका नाम प्रियंका है, इसका श्वेता है, इसका ज्योति है, मेरा डार्लिंग है। ओ मेरा इनका इनका सही इनका सही मेरा नाम कौन साचे दरबार की जय। चलो भाई घर चलो। दरबार की जय। ये क्या प्रसादम, सेंधा नमक से तैयार व्रत के मजेदार, क्या चीज है ये? कह रहे मूंगफली है। मूंगफली हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं, खुले एकदम दर्शन। और दीदी बोल रही है कि भीड़ होनी चाहिए थी पर जिस हिसाब की हमने रोड पे पब्लिक देखी थी ना भाई साहब, बहुत पब्लिक, ट्रक अब आई है पब्लिक, पर हम सही हुआ हम अच्छे टाइम पे निकल गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मम्मी चाहे ये अपने घर में एक दिन भी पूजा ना करते हो? हाँ बताओ, माता की भी मजाक ही बना रहे हैं, मन में श्रद्धा है या नहीं है पता नहीं पर मुझे मजा आ गया खुले दर्शन करके। कोई लड़की मिली है टक्कर देने वाली, जरा सी कन्या प्रियंका को वीडियो बनाने वाली, हमने ये वीडियो बनाई वहाँ पे। टक्कर वाली मिली है बच्ची कन्या, इसको टक्कर दिए वीडियो की। मेरे को कहाँ की दी है? दीदी का फोन ही नहीं दे रही वो लड़की। मैं देखूंगी। हाँ हमारे सही टाइम पे दर्शन हो गए, पता हम घर से 12:15 बजे करीब निकले थे और अभी हो रहे हैं 2:15 बजे हैं, सही दर्शन हो गए। है का क्या देख रहा है वो कैमरे में देख रहा है? हाँ जैसे ब्लॉगिंग करते हैं ना बाहर जगह पे, कोई देखता है तो हर कोई देखता है कि ये क्या फार्म भर रही है फार्म नहीं मतलब क्या वीडियो बना रहे हैं, ऐसे हर कोई देखता है। पहले आती थी शर्म, अब तो शर्म खुल गई, अब हर जगह जाते रहते हैं वीडियो बनाते रहते हैं। अभी थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत है अभी भी शर्म पर थोड़ी बहुत सही हो गई, अब तो सही लगता है मुझे। बस एक ही दिक्कत होती है हाथ दुख जाते हैं बहुत ज़्यादा, और माता रानी बस जो भी मेरी ये वाली वीडियो देख रहा है आज की झंडे वाली, आज का हमारा जो भी ब्लॉग देखेगा ना वाली देख कैसे भाग भाग के जा रही है, इसका बैड रस देखो लोलो का है। बस आज जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है ना ये तो झंडे वाली माता उन सभी की पूरी विश करे और मेरी भी पूरी विश करे, बस मेरा परिवार यूं ही हंसता खेलता रहे और किसी की नजर ना लगे,
और आप सभी के परिवार भी ऐसे ही हैप्पी हैप्पी रहे और किसी को भी नज़र ना लगे और सब्सक्राइबर बस बढ़ जाए। 880 तो हो चुके हैं और बस थोड़े से ही बाकी हैं, 110 बाकी हैं। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल। और मुँह ना सूख रहा है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। और वॉशरूम भी जाना है तो सीधा घर ही चलो। कड़ी चावल मिले हैं, लाइन लग रही है यहाँ पर, टेस्टी है, अब तो खा सकते ना, अष्टमी हो गई हमारी। अरे हाँ यार भूल गए, दीदी का तो व्रत है। सही है कावे, कावे तो गाइज हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आज वाले ब्लॉग पे प्यार प्यारे कमेंट करना। और